हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी के कुछ वाक्यांश। अब इनको शॉर्टकट क्यों कहा जाता है ये मैं आप लोगों को आज क्लियर करती हूँ कि यहाँ पर क्या है। मैंने कुछ वाक्यांश यहाँ पर लिए हैं और वाक्यांश क्या होते हैं ये भी आप लोगों को एक लाइन में बता देती हूँ कि अगर वो शब्द चिन्हों के साथ मात्राएँ यूज़ करना और वो शब्द बनाना जो हम सेंटेंस में एज इट इज़ ही यूज़ करती हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर लिया है आपका, तो आपका के लिए ये प और ये का, ये आ, ठीक है, आप का। अब इनको शॉर्टकट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए जो क का स्वर है, क के साथ आ है, वो यहाँ पर नहीं लगा है, सिर्फ ये वाला आ यहाँ पर लगा है। क्योंकि जो वाक्यांश होते हैं ये अंडरस्टूड होते हैं, हमें कॉमन सेंस से समझना पड़ता है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला आ है और यहाँ नहीं लगाया है, सिर्फ इतना है, तो ये क्या बन जाएगा, प और क पक। ठीक है, या फिर अगर ये पहला साउंड है और ऊपर है ये वाला, अगर हम कॉमन सेंस लगाए तो वो बन जाएगा पाक। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स होते नहीं हैं, इसीलिए हमने जो ये वाला वर्ड है आ का जो स्वर है वो लगाना यहाँ पर ज़रूरी समझा है और का लगाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझा है, क्योंकि ये इतना भी अंडरस्टूड है, आप और ये क, आपक कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसको आप का, आपका समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है उनको, तो ये उन और ये को, उसको ये उस और ये को, उसका, तो उसका के लिए ये उस और ये का। अब यहाँ देखिए का, को और को, इसके लिए क्या है, हमने पूरा ये प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, सिंगल सिंगल करके हम लोगों ने समझा था। बट यहाँ पर क्या है, मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को, को और को जो है वो हाफ क, यानी कि क को काट के आधा क से एक्सप्लेन किया जाता है, और जो का के लिए है या की के लिए है या फिर की के लिए है, कोई भी की ई आती है तो वहाँ पर पूरा क उनको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब आपको, आपके लिए क्या था हमारा, सेम जैसे अभी हमने आपका लिखा, ये आप, ये को, ये आ, ठीक है, आप को। मुझको, ये मुझ और ये मैं, सॉरी मुझ में, ठीक है, ये मुझ और ये मैं, मैं जो है वो म को ही, म रिप्रेजेंट करता है मैं को। उनको, तो उनके लिए क्या था, ये उन और ये को। मुझको, ये मुझ और ये को, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ, आप लोगों को शायद वहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ये मुझ और ये को, इस तरह से मुझको। ठीक है, उसमें, अब उसमें के लिए क्या है, उसका जैसे हम पढ़ के आए थे तो वो लाइन के ऊपर लिखा जाता है, इसलिए मैं भी जो है लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा, ये उस और ये मैं, ठीक है, दोनों लाइन के ऊपर आएंगे। उनमें सेम इसी तरह से, अब यहाँ पर उन जो है लाइन पर आता है, इसलिए मैं उसके साथ आएगा लाइन पर ही। जिस तरह से हमारा फर्स्ट वाला हो उसी तरह से हमने पीछे वाले को भी यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस और ये मैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, बट ये इस तरह से आएगा। उनका, तो ये उन और ये का। उसकी, अब यहाँ पर की आ गया है, तो ये उस और ये की, ठीक है, उस लाइन के ऊपर आता है इसलिए की भी लाइन के ऊपर आया है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए, उस जो है लाइन के ऊपर है, की जो है वो क को रिप्रेजेंट किया है क ने, और का की के लिए सेम क लिखा जाता है, और को के लिए सिर्फ आधा क लिखा जाता है। तो उसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोगों को एक बार में ही समझ आ गए होंगे, और आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए ये याद रह जाएंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।